हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आपको पता है यहाँ पर सभी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो चलो करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, दो संख्याएं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल पता करो। दोस्तों दो संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई, ठीक है दोस्तों। उनका अंतर दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का अंतर दिया हुआ है 14, और उनका योग क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है दोस्तों 20, ठीक है दोस्तों। इसको मैं सॉल्व करूँ, ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, ये 14 और 20 क्या हो गया दोस्तों 34, और यहाँ पे x और x क्या हो गया 2x, x हमारे पास क्या दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 17, x हमारे पास 17 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब x को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो आंसर आ जाएगा दोस्तों x प्लस वाई क्या है दोस्तों 20 है। अब हमारे पास x यहाँ पे 17 आ गया है, बराबर 20 है, x में 17 y, मतलब y क्या जोड़े 17 में क्या जोड़े 20 बन जाए, 3 जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा दोस्तों। इसमें फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई 20 है दोस्तों, एक्स हमें पता है यहाँ पे 17 है, तो क्या जोड़े 20 बन जाए, 3 जोड़ा 20 बन गया। यहाँ से हमें ये मिल गया एक्स, ये मिल गया वाई। उन्होंने क्या पूछा है, उनका गुणनफल पता करो। हमें पता है इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 17 और 3 का 51 दोस्तों आ जाएगा, 51 दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तो संख्याएं में अंतर पता करो। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों संख्याओं का योग, मान लो x प्लस वाई दो संख्याएं, उनका योग 42 दे दिया। ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों ऑप्शन से करेंगे। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन हम पहले ले लेते हैं 4, उन दोनों का अंतर पूछा है, ऑप्शन हमें दे रखी है, यहाँ पे हम अंतर पहले लेके चल रहे हैं 4, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहले लेके चल रहे हैं। अब दोस्तों ये माइनस वाले कट गए, यहाँ पे क्या हो गया 2x, यहाँ 42 और 4 क्या हो गया 46, x क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 23, x 23 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको x को इसमें फिल करने के लिए, मान लो x माइनस वाई यहाँ पे 4 है, ठीक है दोस्तों, x माइनस वाई 4 है, x हमारे पास 23 है, 23 में क्या माइनस करेंगे 4 बन जाए, 19 माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों, तभी तो 4 बनेगा। अब हमें चेक करना है ऑप्शन सही चल रही है कि नहीं। ये एक्स हमारे पास आ गया और ये वाई आ गया, अब इसको इसमें फिल करके देखते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 42 बनता है कि नहीं। देखो दोस्तों, 23 प्लस 19 42 होता है, ठीक है दोस्तों, इससे हमें ये पता चल गया हमारा एक्स ये है वाई ये है, हमारा सही है आंसर। अब हमें क्या पूछा है, उनका अब गुणनफल चेक करेंगे 437 बनता है कि नहीं, तभी तो हमें पता चल पाएगा ना उनका अंतर जो हम 4 लेके चल रहे हैं वो सही है। अब इनका गुणनफल करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने पर 437 ही आ रहा है, इसका मीनिंग ये हमें पता चल गया कि हमारा जो माइनस किया था ना एक्स माइनस वाई 4 वो सही था, हमारी ऑप्शन ए ही सही हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा। देखो दोस्तों, विद्यार्थी 36 के बदले 63 लिख देता है, ठीक है दोस्तों, और उसका उत्तर क्या आ जाता है 24 आ जाता है, लेकिन उसे सही क्या लेना था, सही उसे लेना था 36, ठीक है दोस्तों। उसने क्या किया, 36 के बदले 63 लिख दिया, तो उसका आंसर आ गया 24। अब सही आंसर पाने के लिए उसको क्या लिखना पड़ेगा, 36 लिखना पड़ेगा, तो वो मैंने नीचे लिख दिया। इसको सॉल्व कर दो दोस्तों, 12 दूना 24, 12 तीन 36, अब ये 3 पे कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 42 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगी। देखो दोस्तों क्या किया, विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में ले लेता है, 63 मैंने लिख दिया, जब वो 63 ले रहा है तो उसको उत्तर क्या आ रहा है 24 आ रहा है, लेकिन 36 लेगा तो उत्तर क्या आएगा, इसलिए मैंने 36 नीचे लिख दिया, तो उसका उत्तर आएगा 42, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा एक क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब तक के लिए धन्यवाद।